हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले विकास मल्टीकॉर्प और उसमें एक्चुअली क्या एक गेम चल रहा है उसके बारे में। ये जो ऑपरेटर लोग हैं ये किस प्रकार से शेयर को नीचे ला रहे हैं और वो कहाँ तक लेके आएंगे उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पर उसके पहले आज का अपडेट, आज हमने ऑलमोस्ट 5,000 बुक किया है। डॉक्टर लालपत लैब में हमने ट्रेड लिया था, आज ऑलमोस्ट वो अपर सर्किट लग के ही आया है नीचे। और देख सकते हो, अगर 1 मिनट के कैंडल पे देखे तो इसमें बहुत अच्छी रैली हो रही थी, सुबह से ही इसमें ट्रेड हो रहे थे काफ़ी अच्छे से। तो हमने आज इसमें 4,900 रुपये प्रॉफिट बुक किया है। और अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड लिया था, अपोलो हॉस्पिटल में हालांकि बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लिया था हमने, 1047 को लिया था और 1048 को बेच भी दिया। वैसे ये भी ट्रेड कुछ लंबे नहीं चले, एक एक दो दो मिनट के हार्डली ट्रेड थे ये सब मेरे। और उस प्रकार से हमारे दिन का आज का जो कोटा था 5,000 का वो तो हो गया है। जल्दी से आ जाते विकास मल्टीकॉर्प पे। तो अभी तो इसमें ट्रेडिंग चल रहा है, ये सबसे बेस्ट बात है कि इसमें ट्रेड हो रहा है। क्योंकि अगर ये अपर सर्किट चलता है या पूरा लोअर सर्किट चलता है तो उसमें बहुत लोग पोजीशन निकालने चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो पाता। ये बेस्ट चीज़ है। हालांकि देखा जाए तो नीचे ही आ रहा है कंटिन्यू चार ट्रेडिंग सेशन से, पर अच्छी बात इतनी है कि इसमें ट्रेड हो रहा है। एटलीस्ट अभी दिखाता हूँ मैं जो बल्क डील्स हुए इसमें विकास मल्टीकॉर्प में, कैसे बल्क डील्स होती है और उसमें कैसे लोग फंस रहे। देखो, ये 18 जनवरी 2021 में ये अल्फा प्राइस ने 60 लाख 81 हज़ार शेयर बाय किए 4.95 रुपये पे। और उसी दिन 18 जनवरी को उसमें से 38 लाख शेयर उन्होंने 5.02 रुपये पे बेच दिए। ये तो पुरानी बात हो गई, पर उसी तरह से देख सकते हो कि यहाँ से 5 रुपये 5 रुपये 22 अभी ट्रेड कर रहा है 3 रुपये 55 पैसे पे। ये बात है जब ये 5 रुपये 26 पैसे पे था। देखो, यहाँ भी देख सकते हो इन्होंने 40,50,000 शेयर बाय किए 5 रुपये 22 पैसे पे और 40,50,000 शेयर सेल कर दिए 5 रुपये 26 पैसे पे। तो इन्होंने मार्जिन कितना निकाला, सिर्फ 0.4 का मार्जिन निकाल के भी ये इनको अच्छा खासा दिन का प्रॉफिट हो जाता है इसमें। अगर फेब में आ जाए, ये तो जनवरी की मैं बात कर रहा था, पर फेब में आ जाए तो देखो 3 फरवरी को यही अल्फा लियोन ने क्या किया, ये देखो इन्होंने बाय कितना किया है, 37,42,000 और सेल कितना किया, 42,86,000। और ये अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड ने 1,10,00,000 शेयर सेल कर दिए उसी दिन जब ये 4 फरवरी को लोअर सर्किट खुला था। 1,10,00,000 शेयर इन्होंने सेल कर दिए। और फिर ये अल्फा लियोन ने फिर से देखो 35,00,000 शेयर बाय किए, 27,00,000 शेयर बेच दिए, ठीक है। और अब जो ये नीचे आ रहा है उसके पीछे का जो मेन रीजन है, उसके पीछे का जो मैं रीजन बताने वाला हूँ आपको, वो देखो, ये देखो 5 फरवरी को ये अलबुला इन्वेस्टमेंट ने 1,00,00,000 शेयर फिर से बेच दिए। यहाँ 1,10,00,000 बेचे, बीच में कोई भी बाइंग नहीं आया इसमें, इसके बीच में इन्होंने बाई नहीं किया, फिर से 1,00,00,000 शेयर बेचे 3.60 रुपये के भाव पे। ये देखो, फिर ओल्गा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने क्या किया, 52,00,000 शेयर खरीदे 3.83 रुपये पे और उसमें से 45,00,000 शेयर बेच दिए 3.79 रुपये पे। फिर से देखो, ये अलबुला इन्वेस्टमेंट ने 1,29,50,000 शेयर सेल किए हैं, इसके बीच में इनका बाय नहीं है, देख रहे, बाय नहीं इनका। ये देखो ओल्गा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने बाय कितना किया है, देखो ये सबसे मैंने 8 फरवरी को, अभी रिसेंट की बात है, इन्होंने 41,00,000 शेयर बाय किए और 47,85,000 शेयर इन्होंने सेल किए, बाय किए थे 4 रुपये पे, सेल किए 3.91 रुपये पे,
मतलब इन्होंने लॉस में शेयर भी ज्यादा शेयर सेल कर दिए। और ये जो अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड है इनका तो आप देखो, मैं तीन बातें बताऊंगा ठीक है। इसमें देखो 4 फरवरी को, देखो 4 फरवरी को इन्होंने कितना बेचा, 1 करोड़ 10 लाख ठीक है। उसके बीच में एक भी बाई नहीं, उनका नाम भी नहीं है। फिर से अलबुला देखो 5 फरवरी को और 1 करोड़ शेयर बेचे ठीक है। फिर ये देखो 8 फरवरी को अलबुला सेल ही है, 1 करोड़ 29 लाख 50 हजार शेयर इन्होंने सेल किए। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ शेयर बेचे हैं 4 फरवरी से 8 फरवरी तक। इन्होंने 3.5 करोड़ शेयर बेचे हैं विकास मल्टीकॉप पे। तो इसमें गेम कैसे हो सकता है इनका, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है अलबुला देखा जाए तो ये शेयर को नीचे लाने का काम कर रहा है। ये शेयर को लाएगा नीचे और नीचे लाएगा और नीचे के लेवल पे बाय कर लेगा। क्योंकि ये लोगों का कैसे है, ये अगर ये 3.5 करोड़ शेयर बेच रहे हैं तो एक दिन में ये 4 करोड़ शेयर भी खरीद सकते हैं। और 4 करोड़ शेयर खरीदने के बाद वो शेयर 1 रुपए से भी बढ़ गया, 1 रुपए से भी बढ़ गया वो शेयर, तो उसका कीमत उनको बहुत ज्यादा मिलता है प्रॉफिट। इस वजह से ये जो फंड है ये अब ये शेयर को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली ये शेयर में कैसे होता है, जो बाय करता है वही सेल करता है। जैसे ये हाई ग्रोथ हो गया, बाय किया 40 लाख 50 हजार, सेल किया 40 लाख 50 हजार, इस प्रकार से नॉर्मली ट्रेडिंग होती है। पर ये जो ओनली दिस अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, इनके वजह से ये शेयर नीचे आ रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा जाए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे अभी इसका सपोर्ट कहाँ पे आ रहा बन के, ये सपोर्ट आ रहा 3 रुपए 30 पैसे पे। और मेरे हिसाब से ये शेयर और गिर के आएगा ये लेवल पे 2 रुपए 10 पैसे पे। जब ये शेयर आएगा तब इसमें यही जो फंड है जो ये बेच रहा है, ये अलबुला इन्वेस्टमेंट, अभी बता रहा हूँ मार्क करो मेरे वर्ड्स, यही फंड जब ये रेट 2 रुपए 10 पैसे आएगा यहाँ पे ये लोग बाय करने वाले हैं। बहुत तगड़ी क्वांटिटी डिलीवरी में उठाएंगे और फिर ये शेयर ऊपर जाना चालू होगा क्योंकि ये इसका सपोर्ट ही है देखा जाए तो। और अगर उसके भी नीचे आना है तो 93 पैसे पे ये शेयर, उसके जो ऑल टाइम लो था 93 पैसा, वहां तक आएगा। पर मेरे हिसाब से 93 पैसे तक वो जाएगा नहीं, 2 रुपए 10 पैसे से ही रिवर्स करेगा। और जो फंड्स अभी बेच रहे हैं वही फंड्स इसको बाद में हाई क्वांटिटी पे खरीदेंगे और फिर से ये शेयर में एक ऑपरेटर रैली आपको दिख सकती है ऊपर की तरफ। पर इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी ये शेयर में अभी तो एंट्री लेना, मतलब ये तो सपोर्ट के पास है, अभी ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट पे, ये सपोर्ट अगर तोड़ा तो ही 2 रुपए 10 पैसे का आएगा। बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं, इसको बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर ये 3 रुपए क्या लेवल है, 3 रुपए 40 पैसे का अगर लेवल तोड़ता है तो ही ये शेयर 2 रुपए 10 पैसे पे आएगा फिर से। और 3.40 का अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो इसको तो नीचे आना ही है, और नीचे आने के बाद हम इसमें खरीदारी करेंगे। अभी खरीदने का कोई भी मूड नहीं है। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस विकास मल्टीकॉप पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।